पास है, आप देख रहे हैं पब्लिक। दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, इंटरनेट और गैजेट्स ने हर इंसान को अपने शहर में जकड़ रखा है, लेकिन आज भी बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट सिनेमा है। तभी तो हर इंसान एक दूसरे को कहता नजर आता, तू बड़ी बड़ी फिल्म है भाई, लगे ठेका। एक वक्त था जब पाकिस्तान में लगभग 1200 सिनेमा घर थे, और अब सूरत हाल यह है कि 25 करोड़ की आबादी के लिए 100 सिनेमा घर भी नहीं है। तो जिथे फिल्म हिट नहीं होनी उतने खबरें हिट होनी, लगे ठेका। अच्छा वैसे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान में सालाना लगभग 100 से 125 फिल्में बना करती थी, लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता था, और जिस चीज से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता होता है वो तो अपना रहनी नहीं देनी। अच्छा बाय द वे ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब पाकिस्तान में 100 से 125 फिल्में लगभग सालाना बना करती थी, जो पूरी दुनिया में हमारे कल्चर की नुमाइंदगी किया करती थी, लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता था, और जिस इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता होता है वो तो अपन रहनी नहीं देनी, लगे ठेका। पर सोचने की बात तो यह है कि जब आबादी बढ़ रही है उसके साथ साथ इजाफा हो रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में और हुक्मरानों के असासों में, तो सिनेमा घरों में क्यों नहीं? भाई हुक्मरानों की शुगर मिलें हो सकती हैं, लेकिन सिनेमाज नहीं, है ना खंडू, लगे ठेका। और पड़ोसी मुल्क की सुन लो भाई, वहां पे नंबर वन बनने की दौड़ तो है ही, साथ ही साथ टैक्स कौन ज्यादा देगा ये भी जंग चलती रहती है, तो सानू ऐसे टैक्स देने वाला बंदा वैसे ही जहर लगता है, लगे ठेका यार। तो होता रहेगा सबका कॉमेडी रिमान ओनली ऑन पब्लिक। रे तू लौंग वे मेला जी, तेरे पीछे आ गवाची, रे तू लौंग वे मेला जी, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी थोड़ी कच दी गवाई, रे मैं चंबे ते पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, सदली सदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, सदली सदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। हेलो मिस्टर फ्रांसिस सुधी कपूला साहब। नो, आज ना मेरा ओ लेना है जेड़ा बिल्कुल हिट हो चुके आए। ओ केड़ा है? फ्रांसिस कपूला बाजवा। ओके 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 ओके, आई गॉट योर पॉइंट। फंक्शन शुरू करते हैं। सब तो पहले एक इतलाए आम सुन लो। ओके। टू होम इट मे कंसर्न। आज तो बाद मेनू फ्रांसिस कपूला बाजवा क्या ते पुकारिया जाए ते लिखिया भी जाए। वाह पीडीएम तेरे ज्वाइन कर ली। जिन्होंने पहले ज्वाइन की थी उन्होंने बेचारे ने की खट लिया। ज्वाइन खानी चाहिए मेरा ठीक रहता है। बेटी जेंज दा तू है गाने च सुर लाया ना, मैं इन्ना ही कहूंगा सुर फिटे मूं। Thank you, मामू। अच्छा मैं तेनू एक इतला होर चेंजा जावा। क्या? मेरी भांजी ने मैनू विखाई है बड़ी एमरजेंसी च एक पंजाबी फिल्म। कौन सी? ओए होए होए ओदे च कुड़ी नी नीरू बाजवा। हाय मैनू इन्नी पसंद आई है कि मैं ओदा फैन हो चुके हैं। मैं भी। मैं हुण की मतलब मैं भी फैन? अच्छा ठीक है तेरा फैन होना कुछ होर है, तेरे का मुंडा पहले फैन हुंदा फिर प्रपोज तक गल पहुंच जांदी है। अच्छा अच्छा मैं गल कर रहा सा कि ओ जदों दा मैं ओनू देखिया है मैं चाहना मैं हुण ओदे च ना फिल्म बनावा ते सारा पोटेंशियल मैं ओदे च ला जावा। ओ ऑलमोस्ट। इन खुशी की बात तो ये है मैंने भी अपनी चमन पर्ची पे अपना नाम कैट विंसलेट बाजवा लिखवा दिया। मोहसिन सिर्फ जमन फर्शी ते नहीं जेड़ियां एदे ते 188 FIR होईयां ने ना ओथे भी केट विंसलेट बाजवा लिखा दिया। ले एड़े एड़े ते 188 पर्चे एड़ीए फुलन ने आजी। अच्छा पर्चे च ना ब्रैकेट च थले ए भी लिखिया होया तेरे बाजवे दी राखी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी तो मैं हेमा मालिनी के शहर से ही नहीं निकली थी कि नीरू बाजवा का जादू मेरे सर चढ़कर बोलने लग गया। मोहसिन जी एनु मिलो ए जे बसंती बाजवा। अच्छा जी ऐसा आपने ज्यादा ना होना चाहिए धन्नो बाजवा। मोहसिन असल च एदा ना धन्नो बाजवा ही है। केट विंसलेट ते असी निक नेम दे तौर ते इस्तेमाल करने। हेगी घोड़ी है लेकिन लोकी प्यार ना बीफ घोड़ी कहंदे ने। चिट्टी घोड़ी ते कट तिलदार नित्यो, चिट्टी घोड़ी ते कट तिलदार नित्यो, मैनू हो गया जे नीरू नाल प्यार नित्यो, हाय हो गया प्यार नित्यो चिट्टी।
चिट्टी कौड़ी ते कट तिलदार नहीं सी ओ। रोको रोको रोको, मैनू इत्थे ही ला दिओ पा गुलाम अली दे पिंड गलोटियां। हां मां मैं जूते पहले ढीलो टूट रहे थे, हुण टांगे च वी उतर गए। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू यार। ओ मार भी, मैं कुछ होर कहण लगा। टैंक तो पहले थोड़े चुको रख दे, मेरा हाथ नहीं पहुंचदा, मेहरबानी। शुक्र है तेनू क्या खुरक दी, पहले भी इन्हें एक कोठी का पिलर सुट दिता सी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हवा पानी और पंजाबी आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। यही वजह है कि इस पूरी दुनिया में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की धाक है, छाई हुई है। आज की जो हमारी मेहमान है वो एक ऐसी मेगा स्टार है कि जो सचमुच पब्लिक डिमांड है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री आज जिस मकाम पर खड़ी है उसमें उनका गैर मामूली कॉन्ट्रीब्यूशन है। उनका नाम लेते ही मुंह से इलायची की खुशबू आने लगती है। 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही है उनकी फिल्म बूहे बारिया, वन एंड ओनली, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय पर्सनल फेवरेट, नीरू बाजवा जी, एवरीवन। थैंक यू सी बॉयज। आज 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 तो भी सजनों मित्रों बेलियो, आज वीडियो लिंक ते साडे ना होना नीरू बाजवा जी ने, बल्कि पधार चुके आए, मैं सदके जावा। लाओ जी प्रस्थान तो सीधा पधार चुके हैं नीरू बाजवा जी, पब्लिक डिमांड च। आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात। नीरू जी, पाकिस्तान च थोड़ा सब तो वड्डा फैन कौन है भला? मोसनबाज हैदर। वाह वाह, मैं भी जी थोड़ा पक्का। इन्हें दोनों नु फैन समझो, मैनू अपनी वड्डी भैन समझी। अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, कैट विंसलेट बाजवा। थैंक यू जी सो मच, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। लो जी, आ संदली संदली अखां वाली नू मोसनबाज हैदर ते पब्लिक डिमांड की पूरी टीम वालों सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। अच्छा वैसे मैं सुनिया थानू उत्थे इलायची गर्ल कहिंदे आ, थोड़ी तलाश यह अर्ज़ है कि मैनू पाकिस्तान च लौंग बाजवा कहिंदे। वेलचन, मेरा दिल करदा मैं इलायची ते लौंग पान च रख के ते मुंह च रख लवां। सपोला बाजवा जी। कपोला कपोला। अच्छा ओके, मिस्टर कपोला बाजवा। यस। अगर आप हम दोनों को एक ही पान में रख देंगे, इसी बहाने हम दोनों का मिलन हो जाएगा। ओहो, तुहाडे मिलन तो जिहड़ी लोकां नूं मिलन होएगी उहदा कौन जिम्मेदार? जलन होगी। नीरू जी, इस कायनात च जिन्ने भी रोमांटिक गाने ने, मेरा जी करदा मैं थोड़े हुसन तो वार के सुट दें। थोड़ी इजाजत। थैंक यू। एक दो लाइना गा दो, बाकी तुसी बूहे बारिया दी गल्ला करियो। नहीं नहीं, उधर ही आ रहा मैं, उधर ही आ रहा, टेंशन नहीं लेनी, आपां उधर ही जाने ते लगे, तुसी मेरियां आणियां वेखो। नीरू जी, पहला गीत तां आया। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपकी आँखों में कुछ। वेलजन मोहसिन वेलजन, लेकिन एक अफसोस होया, थानू नीरू जी दी अखां दे विच ख्वाब छे नजर आ गए, मेरी पांजी दी अखां च यरकान क्यों नहीं नजर आ? मैं तो सारा दिन इन्ना गांधी रही हां कि चूमे जो यरकान में। सॉरी मामू जान। और नीरू जी की सोचणगे कि जबड़ियां मारनी है फिर। सॉरी, अगला गीत आ। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। एक जरा होर हो जाए। नहीं नहीं नीरू जी, अगे वधदे हां, हुण मैं तुहानू उधर लै आ बूहे बारियां वाला, इस तों पहले कि तुसीं सच्ची मुच्ची मेरे ते बूहे ते बारियां दोवें बंद कर दिओ। बूहे बारियां असीं खोलनियां ने, असीं सारे नूं कह रहे बारियां खोलो, बिल्कुल ते जिओ। जे नीरू बाजवा जी ने बूहे बारियां बंद कर भी दित्तियां
जिन्नी तेरी से तू चीत थानी लंग जाने वेरी चीत गल की थी वाकई ठीक कह रहे ने नीरू जी के बूहे बारियां खोलनिया चाहिए ऐसी खोलनिया ने हकूमतां ते सिर्फ पानिया वास्ते बूहे बारियां खोल दी लेकिन नीरू जी बहुत वधिया गल की तुसी एड्डी सोहनी गल की बिल्कुल ही अपने अर्गी मैनू तो आ समझ नहीं आती कि मैं थोनू वेखी जावा कि शो भी करा कोशिश तो यही है मेरी कि दोवें कर ला मैं पर थोड़े तो नजर नहीं हट रही मेरी ओके सो नीरू जी सब तो पहला सवाल तो आया थोड़े को कि आ जो तुम ना रखे बूहे बारियां एक पंजाबी फोक है पुराना वो तो इंस्पायर होकर रखे आप इसलिए क्योंकि आई मीन फिल्म जो It's not सिर्फ औरतां लई मतलब जो भी अपने जज्बात अपने सुपने बूहे बारियां दे पिछे बंद कर लैंदा है असीं सारे नूं मोटिवेट करना चाहुंदे हां कि तुसीं बूहे बारियां खोलो तोड़ो ते बूहे बारियां सानूं आप नूं खोलनियां पैंदे ने किसी ने साडे लई ओह बूहे बारियां नहीं खोलनियां सो वी जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट लोकां नूं कि तुसीं जियो कुट कुट के मर मर के ना जियो एक ही जिंदगी है आ पब्लिक डिमांड दा वर्ल्ड फेमस तुहाडे आसे प्लेटफॉर्म हाजिर है इत्थे असीं रज के खुल के मैं कहना फटे चक के प्रमोशन करांगे बूहे बारियां दी 15 सितंबर नूं रिलीज होण जा रही है पूरे पाकिस्तान च तां इंडिया च भी नालों नाल अच्छा एडी स्टोरी दे बारे कोई दसो कितना ख्याल आया तो हुण तां तुसीं प्रोड्यूसर भी बन गए हो हां जी वो पहला तां मैं बहुत खुश हां कि बूहे बारियां 15 सितंबर नूं सेम डे पाकिस्तान च रिलीज हो रही है सो इस गल दी मैनूं बहुत ज्यादा खुशी है एंड जिवें मैं पहला कहा कि बूहे बारियां च बेसिक लाइन यही है कि यू नो असीं मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बूहे बारियां खोलो एंड दैट इज द बेसिक लाइन ऑफ दिस फिल्म एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ यू नो औरतां लई फिल्म है मैनूं लगता है कि हर क्लास मेल फीमेल सारिया दी फिल्म है एंड यस एंड मैं प्रोड्यूसर हां एंड हुण मैनूं याद नहीं है साडी किन्नी फिल्म है नजदीक चो देख के मेरे दिल च पता है केड़ी आवाज आई है जिंदगी से यही गिला है मुझे तू बहुत देर से मिला है मुझे ये बात तो आप हर किसी से उधार मांगते वक्त भी कहते हैं एक तो एक्टर नहीं चंगी तो अपना पर्स भी खार फोड़ लाई है बसंती इनके सामने नाचने से इनकार मत करना क्यों? मैंने गब्बर से पेमेंट पकड़ ली है कौन सा सस्ता नशा कर बैठे हो बीरू बाजवा जो मुझे नाचने के लिए प्रवोक कर रहे हो एक तो एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं नशा सस्ता ही करना चाहिए क्योंकि उसका भी अंजाम महंगे जैसा होता है बसंती अगर तुम आज नहीं नाचे तो यकीन जानो हमारे बिजली का मीटर कट जाएगा नहीं क्या नहीं नहीं लगा रखी है सारे दिन टिकटॉक पे यही तो करती रहती हो तुम प्रमोशन देख लिया जी दो शादियां दा हाल की होता है फिर अच्छा वीरू बाजवा जी वैसे आपका हाथ तो मशहूर था ना 2.5 किलो का हाथ है मुझे लगता है अब तो छटांक का भी नहीं रह गया कोई गुप्त रोग तो नहीं लगवा बैठे क्या बताऊं कि इस हाथ ने उधार ही इतना मांग लिया है कि इस हाथ के सारे फैट बर्न हो गए कि रिक्शा खल पायो वीरू भाई सोने फिल्म का जिक्र क्यों नहीं कर रहे आप ये बहुत मुश्किल से रिक्शे से उतार के पहना है मैंने ये ऑटो रिक्शा नंगा करके खुद को पहनाया है मैंने शोले की बात कर रहे हो जी नीरू जी मेरे बच्चे पता नहीं कैसे हिट हो गई तुमने फिल्म देखी है ये? मैं टंकी पे चढ़ा हुआ हूँ बिल्कुल उस पे पानी कहाँ से चढ़ता बिजली तो थी नहीं गांव में गुड क्वेश्चन वेरी गुड दूसरा ये फिल्म स्टार्ट होती है गांव में दो बकरियां एक कुत्ता घूम रहा है गब्बर वहां लेने के आता था बहन का रिश्ता ऐसा बदनसीब है बेचारा जेहो जे कपड़े पाए ने कभी भी नहीं कहता मैं सूट लेना है दुकान से जाके कहता पाइन मेरा मुंह उधर है तुसी कोशिश कर दियो मुझे कह रहा है खुद अपनी बहन के जहेज की रजाई फाड़ के पहन के आ गया ओ मामा मैंने इनकी फिल्म देखी है खेड़ी नान शोले ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन
नीरू बाजवा जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, फिल्म बूहे बारियां दी प्रोटैगनिस्ट ते प्रोड्यूसर नीरू बाजवा जी साढ़े नाल मौजूद है, उन्होंने गल्लां बातां दा सिलसिला जारी है। नीरू जी एक गल तां दसो मैनू, पहले तुसी हीरोइन सी, वैनिटी वैन शशके ये वो आओ भगत पैसे लैंदे सीगे, हुण तुसी पैसे देंदे हो, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਟ ਯੂ نو ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਅੰਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਯੂ نو ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਮੇਨਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਡੀਅੰਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ, ਅਬਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ। ਹੀਰੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੱਟੀ ਅਮਲਾ ਪਗਲਾ ਦੀਵਾਨਾ, अपने तो फिर अपने होते हैं। ये शोले फिल्म तुम्हें पता है इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या? ये पहले हफ्ते नहीं चली थी, लेकिन जब चली तो ऐसी चली कि आज भी ये बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में, मीरू अजय की दोस्ती का बताया जाता है। वाह, समझे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तुझमें ज्यादा है। अच्छा जेडी तुझे फिल्म बनाई सी, अपनी एक फैमिली फिल्म सी, दिल लगी, मेरा ख्याल है पैसा पूछा तो थानू को बचे नहीं, वो दिल लगी सी। ये कौन है? आप प्रोड्यूसर हैं, ये डायरेक्टर हैं, आप लोग मिलके कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते? यस, मैं ऐसे आदमी को फिल्म बनाने का कहो मुंह बना के बैठ जाता है। चलो मैं हुन बना नहीं सकता, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं होती, बंदा जानवरों नु की सिखावे एक्टिंग। जानवरों का खून नहीं छोड़ता, तुझे नहीं मालूम? अच्छा आप पालतू हैं हमारे, बैठते हैं। थोड़े को अच्छी फिल्म बननी नहीं, जी एक अच्छी बढ़िया फिल्म आ रही है बूहे बारियां 15 सितंबर को, गल करने हैं। नीरू जी आ दसो कि स्टार कास्ट कौन कौन है? सारिया सोहनिया सुनखियां कुड़ियां वालियां तुसी। Thank you. So, sade main leader Nirmal Rishi ma'am, Rupinder Rupi, meri choti pehn Rubina Bajwa, Gurpreet Pangu ji, ne te bahut sare artists ne, but this is the main cast of the film. Acha, je main galat nahi ga, ta Rubina ji da debut ta nahi ga, hai na? Eh to pehla vi filmaan kitiyan unna. Nahi, Rubina ji da eh debut nahi hai, unhone do teen filmaan ta pehla, so Lava film and Sargi. तेरे घर के भी लोग फिल्म में, मेरे घर के लोग भी फिल्म में होते हैं अपनी प्रोडक्शन में। वाह, हमारी कहानी बहुत मिलती है, हम क्यों नहीं मिलते? अच्छा वीरू जी उठो, पहले तुहानू खून की बोतल लुवानी है, लुवा ले आइए। मेरा काम सिर्फ पीना है, लगाना नहीं। ओके ओके। अच्छा जेड़ा रुबीना बाजवा दा तुसी ते नीरू जी जिक्र कर रहे हो, मैं देखा ट्रेलर च बड़ा देसी जिया लुक बनाई हुई है। यस यस। ओ दापड़ा फाड़ के मज दे पीछे पीछे फेर रही सी के छेती कार छेती। अच्छा वैसे नीरू जी तुसी छोटी भैन कोल पाथियां विचगा लियां ते है ना? हां जी। नहीं तो शिकायत नहीं की उन्होंने कि मेरे नाजुक नाजुक हाथों से पाथियां चुकातियां तुसी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, ना एक्चुअली उन्होंने बहुत बड़े बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि यू नो रुबीना नु पहचानया नहीं लोगों ने, उन्होंने आई लगे कि वो मतलब कुड़ी उठे बैठी है कोई, सो शी डन एन अमेजिंग जॉब। मेरा और रुबीना बाजवा का पाथियों में बहुत दिल लगता है। आई फील लाइक होम। मेरी पांजी दा ते पाथियां च इना दिल लग रहा है, मैं हुण फिल्म भी बना रहा पाथी मेरे साथी। अच्छा जेड़ा ए रुबीना बाजवा ने पाथियां वाला सीन कीता है, अगर मेरी पांजी कोलों करवाया होंदा ते फिल्म दे ट्रेलर ते ही अकैडमी अवार्ड मिल जाना सी। लोगों ने भी कहना सी कि अपने ओवरफ्लो दियां पाथियां बनाने वाली एक्टर पहली बार है। यही होता है पैरेलल सिनेमा। वाकई ये तू समाज हो सकती है, थोड़ा पैरेलल फिरया कर। नीरू जी एक उड़दी खबर आई है मेरे को कि थोड़े जिहड़ा दिल दा बुआ सीगा ओहदे ते तुसी लाया सीगा बड़ा जिहा चंद्रा, कि बयान नहीं करदी मैं, ना मैं नहीं करदी, हैं तो बारी भी कुट के बंद कीती सी,
फिर आया एक गबरू जवान है कैंठ जिया आए हाय हाय उन्हें आके जो जंदरा खड़काया उदो तुसी बुआ खोलता आ किदा हो गया भाई लाइफ पार्टनर है ना वो किधरे लॉक मास्टर है वही लॉक मास्टर मेरी तरफ भी आता था है? और हम दोनों गाते थे हम तुम बुचर खाने में बने हो और चाबी को चाबी नहीं छापा पड़ जाए बल्कि जेहो जी मेरी भांजी होना चाहिए हम चुम में कमरे में बांध हो और छत गिर जाए ओ मामू मेरी फैंटेसी को तबाह क्यों करती हो तुहानू पता मैनू ते मेरी भैन नू बमा अहलो अयाल अमरीका चो क्यों खटिया सी क्यों मेरी भैन ने अमरीका च साइफर लहरा दिता सी हाजी भैन वी लाडली सी जो उनको लेकर आए उनके साथ ही तोता चश्म हो गई और मेरी भैन इंज दी है नहीं सी जदों उन्हें दूसरा चश्म कीता सी ना उस तो बाद उन्हें अखां मच्छे च रखिया सन लेकिन विचारी अजकल बड़ी मजबूर है देखो पहले महला च रहंदी हुंदी सी हुण 9x11 दे कमरे च रह रही है चुप 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 नहीं गरीब बंदे ने सैंडो सफाने नाल कीता ना ओके नीरू जी वैसे तुसी ते अपनी दादो नु कहया सी कि मैं थानू दादो बना देंगी ब्याह तो बगैर ही सच्चे हां जी ओ चीज ता है मैं कहता सी मैं बना दूं थोनू नानी नाना मासी मासर सारे नु मैं बना दूंगी बट मैं ब्याह नहीं कराना सी एंड आई थिंक व्हेन यू लीस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर लव इट फाइंड्स यू मेरे बच्चे एक बात समझ नहीं आई क्या कि बगैर शादी किए दादा दादी कैसे बन सकता आदमी ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया मुझे दो दो करनी पड़ी विरूपा जी वो अडॉप्ट करने की बात कर रही हैं अच्छा 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 मैं समझिया चाइना ने कोई नवे स्टोर पाते ने जिथे जाके बंदा कवे भाईजान मैनू चार फ्रेश फ्रेश बच्चे दे दियो ते गल सुनो ए पीने पीने परे रखो मैनू जरा ए वड्डियां खां ले ते तिखे नकां ले ते नजर कर दियो एक बच्ची भी पा दियो जरा फैमिली पूरी हो जाए अगर रिश्ते में विंडो शॉपिंग हो सकती तो मैंने ये कभी पटाखे मारने वाला मामा नहीं सी लेना यार इन्नी भी हसन जी गल नहीं मैं पटाखे उदो मारदा जदों मैं चढ़ाई ते चढ़ना हमवार सता ते मैं कच्चा धुआं ही छड़ना बस हमवार सता नीरू जी जदों दे तुसीं आप प्रोड्यूसर बने हो आ तुसीं पैरेलल सिनेमा नूं बहुत प्रमोट करदे हो लेकिन वधिया गल ऐ हुंदी कि तुहाडी पैरेलल सिनेमा दीआं फिल्मां विच वी एंटरटेनमेंट दा तड़का जरूर हुंदा ते ओह बड़ा हसीन जिहा इक इम्तिजाज बन जांदा आ उहदे बारे दस्सो हांजी बिल्कुल क्योंकि मैनूं लगदा है कि जो सब तों इंपोर्टेंट है इन अ फिल्म इज एंटरटेनमेंट ते ऑडियंस जदों वी मेरी कोई फिल्म देखूगी तां ओह एंटरटेन होके बाहर निकलण एंड आई थिंक दैट्स व्हाई असीं मिक्स करन दी कोशिश कर रहे आ समथिंग मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट गाने भी अच्छे होण थोड़ा हस भी लो रो लो एंड गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली कर जाए मैं उतरने का नाम ही ना ले नीरू जी एक गल तां दसो आ चढ़दे पंजाब तां लहिंदे पंजाब दीआं जनानियां दे मसले इक्को जिहे हुंदे आ क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की गल हो रही है फिल्म च ते थानू लगदा कि मसले इक्को जिहे आ दोवां पासे हां जी बिल्कुल ऑफ कोर्स असी इक्को ही आ मतलब यू नो अलग अलग असी है तां इक्को ही बट तुसी सारे कनेक्ट करोगे ये मेरी कहानी आ थोड़ी कहानी आ बिल्कुल ठीक है जी मैं ए नीरू जी दी गल नाल इत्तेफाक करांगा क्योंकि चढ़दे पंजाब च ते लहिंदे पंजाब च वूमेन्स ते प्रॉब्लम इक्को जे ही ने तुसीं देखो इधर भी सस नूं दी लड़ाई हुंदी है ते उधर भी सस नूं दी लड़ाई हुंदी उधर भी चलदा कभी सास भी बहू थी इधर भी उही मसाइल ने इधर ते उधर मिक्स औरतां इक्को टाइम बच्चे नूं कहंदियां वे औंचरिया तू मेरा है ही नहीं ओ मामू चढ़दे पंजाब दी वूमेन्स ते लहिंदे पंजाब दी वूमेन्स दे इक्को जे प्रॉब्लम्स ने ते मेरे प्रॉब्लम्स डिफरेंट क्यों नहीं ओ मेरी डॉटर तू मैनू दस तेरा की प्रॉब्लम है बेटा परसों नहीं मैनू नाफ पई है
एक बार भी नहीं सोचिए कि मैं दी नाफ कटा जावा। अच्छा तू भी हर होटल से जाके कहनी नाफ प्लेट कीमे जी दे दे। नाफ इज एन ऑफ। ओ मेरे पुछर, मेरी डॉचर, मेरा बच्चा, एक बार गल से सुन ले। यस। ए जरा एशिया कप के मैच मोख लेन, फिर कजाफी स्टेडियम बुक करावांगे। ओचे फिर पब्लिसिटी भी लावांगे के लो जी सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, मेरी भांजी दी नाफ निकलन लगी। मोहसिन, हाँ जी, इनसे दोनों से कह दो प्लीज मुझे नाफ करें। हाँ, मैं एशिया कप मुखन था इंतजार नहीं कर सकती, दर्द बच गई है। तो पूछे फिर मैं, यार तू ना सानू टाइम दे, थोड़ा एक माई है बुजुर्ग औरत, ओदे को ले जाना, ओ करदियां हुंदियां सी ना चरण खलेजे पई, ओदे नाल सेटिंग हो जाएगी। अच्छा। हां, ओ मामू छे मैनू उठाए कुछ ते कर ना। पूछे जट जटनी ने पानी लाया, जट ने मारी कई, औतया चरण खलेजे पई, हीरा चरण खलेजे पई। Ladies and gentlemen, हुसन का पैकर, चांद का टुकड़ा, नीरू बाजवाजी हमारे साथ हैं इस वक्त। नीरू बाजवाजी, एक गल दसो कि मैं भी जा सकना वा, यानी कि मुंडे मुंडे भी जा सकते या फिर वेखना है? जरूर जाओ, मुंडिया नहीं बहुत जरूरी है फिल्म। नहीं, मुंडिया से तो जरूरी है, क्योंकि मैं तो अभी तक मुंडा ही हूँ। मैं तो फिर बिल्कुल नहीं जावांगी फिल्म देखने। क्यों? मुंडे नीरू नु वेखेंगे क्या फिर मैनू? तू तो अंधों को भी दिख जाती है, इतनी मोटी है तू। अच्छा वैसे नीरू जी, अब वर्दी तुम पहली हरी नहीं पाई पुलिस की, है ना? इस तो पहले तुम कनेडा पुलिस वाले बने थे, आज की तुम बने हो पंजाब पुलिस वाले। कैंट बहुत लगे, तुम बड़े सोहने लगते हो कसमें। लेकिन एने वे तुम डांस भी किया फिर पुलिस की वर्दी च, बहुत सोहने लगे कसम। पंजाब पुलिस की कोई रीस नहीं। अच्छा वैसे आपस की गल है, उधर की इधर की पंजाब पुलिस मेरा ख्याल सेम सेम ही है, दोवों का हच बड़ा खुला है। चौबा चौबा ही है, उधर अमृतसर थाना, इधर ग्वाल मंडी थाना। मेरे साथ यहाँ गलत किया पुलिस वाले। क्या ने किया? मुझे रोक के कह रहे मीटर कहाँ है। मैं कोई ऑटो रिक्शा हूँ? अरे नीरू जी भी ठीक कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस की वैसे रीस कोई नहीं हैगी, तो उत्तो थोड़े अर्गी पुलिस वाली हो ना, तो मेरे अर्गा तो कहता कि कोई ऐसा जुर्म करा तुम मैं फड़ ही लो, उम्र कैद ही कर दो, हथ कड़ी ला लो मैनू। तेरे वालों क्या सी ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है। मुझे तो शाहरुख का डायलॉग याद आ गया, अपनी अपनी पेटियां बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा मोशन मेरी जान, यह जेड़ा फड़े जाने वाली ख्वाहिश है ना, ए नीरू जी खड़ दे। हाँ। जे तेरी ख्वाहिश पूरी होनी है तो तू उंज भी इतने फड़िया जाना, सिर्फ थाने जाके इन्ना ही कहना कि मैं फरक हबीब हाँ। मां कसम, ऐसे पकड़े जाओगे अदालत अगर तुम्हें रिहा भी कर देगी तो घर नहीं जा पाओगे। ओके सॉरी सॉरी बॉयज, मैं अपनी ख्वाहिश वापस लेता हूँ यार, मुझे माफ कर दे प्लीज। ओके ओके। अच्छा नीरू जी, साढ़े को एक होर भी हस्ती मौजूद ने, हैगे वैसे वो फलक भट्ट जी ने, लेकिन बने आज उन्हें न्यू नीरू बाजवा, वो भी थोड़े ना गल करना चाहते। हाँ जी। हेलो फलक जी। सलाम, सत श्री अकाल नीरू जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हाँ, तुसी कियां? मैं वधिया ते सोहनी। तुहानू बहुत बहुत मुबारक तुहाडी फिल्म बूहे बारियां लई। ते मैं पूछना सी, कास्ट देख के पोस्टर देख के ते मैं ते सोच ही पै गई कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, ते एदे च मैं अपने भरा कजन ते अब्बा जी नू लेके जावां या उन्हां नू ए फिल्म मना है? नहीं नहीं, जरूर लेके जायो, यही तो मैं कह रही हूँ कि इस फिल्म सिर्फ औरतों लई नहीं, कुड़ियों लई नहीं, इट्स फॉर एवरीबॉडी। हाँ, असी पोस्टर ते कोई बंदा नहीं रखिया। अच्छा वैसे पोस्टर ते बंदा कोई नहीं दिसदा, पर टीम पूरी हैगी है बैक एंड ते बंदियां दी, एदां ही है ना? यस। And the film उस team दी कहानियाँ and in उन्हें दी journey दे बारे आ। अच्छा बहुत सारे लोग का नुवा गलत फहमी हुंदी है, बल्कि मैं अपने show public demand दे तवस्सुत नाल आ गल clear भी करना चाहना है कि सिर्फ जनानियां ते pressure नहीं का हुंदा,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਹੀ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਕਿ ਮੇਲਸ ਆਰ ਬੈਡ, ਫੀਮੇਲਸ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਗੁੱਡ, ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਅੱਛਾ ਵੈਲਜਨ ਬਈ ਮੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੈਲਜਨ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਯਾਨੀ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜੌਜਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਿੱਠੇ ਦਬਾਨਾ ਵਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਾਨਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਨੀਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ। ਸ਼ਕੀਰ ਸਦੀਕੀ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਈ। ਆਦਾਬ ਆਦਾਬ ਆਦਾਬ, ਆਪਕੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਨਸੀਬ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਭੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਯੂੰ ਲਿਫਟ, ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਜ਼ੇ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਉਸਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਕੋ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਹੁਆ ਭਾਈ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਕਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਅਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬਸ ਕਿਆ ਬਤਾਓ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਮਲਕਾ ਸ਼ਰਾਬਤ ਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ, ਗਾਣਾ ਬਜਾ ਹੈ, ਕੌਨ ਸਾ, ਭੀਗੇ ਹੋਂਟ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਗੇ ਅਬ ਰਿਸਾ, ਬਸ ਕਰਦੇ, ਉਧਰ ਲੜਕੀ ਕੇ ਹੋਂਟ ਗੀਲੇ ਹੋਏ, ਇਧਰ ਕੇ ਦਾਦਾ ਕੇ ਝਾਗ ਨਿਕਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਧਗੜ ਧਗੜ ਧਗੜ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਗੇ ਹੋ, ਅੱਬਾ ਆਗੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨਾਨਾ ਕੋ ਭੁੱਲਣੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਥੀ, ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਰ ਗਏ। ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਗਟਰ ਫੇਂਕਾ, ਬੁਝਾਣੇ ਗਏ, ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਮਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਐਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੋ ਦੇਣਾ ਬਣਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਬਾਤ ਕੀ? ਅਰੇ ਪਠਾਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹਿੱਟ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੀਨ ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ 250 ਕਰੋੜ। Amazing. और मुझे लगता है जिस दिन ये प्रोग्राम ऑन एयर होने जा रहा होगा उस दिन तक तो ये पता नहीं डबल ट्रिपल हो चुके होंगे। एंड आई होप कि नीरू बाजवा जी आपकी फिल्म भी जो है वो इसी तरह कामयाबी के झंडे गाड़े, रिकॉर्ड तोड़ दे। ये बनते हैं पाकिस्तानी 7.5 अरब, हमें कोई 2 बंगाली नहीं करने दे रहा, अरब कहां से लाओ। शकील भाई, हम आवाम हैं, हमें आदत नहीं है इतनी रकमें सुनने की, ये हुक्मरानों को आदत होगी, हमारे सामने इतनी बड़ी रकम का नाम ना लें। ਨੀਰੂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹ ਯਾਰ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਮੇਮਨੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਮਨ ਮੇਮਨ ਹਮਾਰੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਰਾਚੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟੋਂ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੇਮਨ ਕੋ ਹਰ ਮੇਮਨ ਕਾ ਜੰਨਤ ਮੇ 2-2 ਘਰ ਹੋਗਾ, ਰਹੇਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਔਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕਾ। ਓਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਮੇਮਨ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਫੰਸ ਗਈ ਉਸਕੇ ਤੂਫਾਨ ਮੇ, ਅਬ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਜ ਬਚਾ ਲੋ, ਤੁਮਾਰੇ ਰਾਹ ਮੇ 15 ਲੱਖ ਖੈਰਾਤ,
तूफान और तेज हो गए। अल्लाह मियाँ वो जो भैंसे हैं गायें सब तुम्हारे नाम पे कुर्बान, और तेज हो गई। अल्लाह मियाँ वो जो स्विस बैंक में पैसा जमा किया ना बीबी से छुप के, वो भी तुम्हारे नाम कुर्बान। तूफान रुक गया। अच्छा ओ हम मेहमान भाई चालाकी पे आ गए, कह रहे तुम अल्लाह मियाँ हो, तुम तो देते हो, तुम्हारे को इस चीज की क्या जरूरत है। तूफान और आ गया, मेहमान क्या कह रहा है तुमसे मजाक भी नहीं करोगे। बात आएगी बच्चों की, बच्चों की भी करनी पड़ेगी। बच्चे मन के सच्चे, छोटी सी बात करे बड़ा फटा करवा देते हैं। अब्बा माफी मांग रहे तो अम्मा तलाक मांग रही होती है। एक बच्चा आया अपनी अम्मी के पास, कह मम्मी हमारी पड़ोसन की नौकरानी का नाम क्या है। कह रहे क्यों बेटा, बताया ना क्या नाम है। बोले बेटा उसका नाम नसरीन है। गलत। बोले क्यों, क्या नाम उसका। कह कल जब वो आए थे ना अब्बू कह रहे थे जान फिर कब आओगी। अमून देखोगा टीवी अगर खराब हो जाए तो बच्चे पे इल्जाम लगता है इसने खराब किया, इसने किया होगा। हाँ। और बच्चा खराब हो जाए तो भी टीवी पे इल्जाम लगता है इसकी वजह से खराब हुआ है। बच्चे जब पैदा होते हैं, अमून पैदा होते ही सब क्लेम करते हैं। मामू कहता है आंख मेरे पे गई है। हाँ। चाचा कहता है नाक मेरे पे गई है। बाप कहता होंठ मेरे पे गई है। खालू कहते हैं पेशानी बिल्कुल मेरी जैसी है। और यही बच्चा बड़ा होगा थोड़ा सा शैतानी करे सब कहता पता नहीं किस पे चला गया मनुष्य का बच्चा। मतलब कितनी मुनाफकत है हमारे माशरे में। अच्छा वाकई यार मोहसिन बच्चे बड़े मन से सच्चे होंगे। एक बच्चा रोंदा रोंदा अपनी माँ को लाया, माँ कह जी की होया पुचर, कहता अबू दे हाथ से थौड़ी बज गई है। माँ कह जी पुचर एहो जी गलों से परेशान नहीं हो जा, हसी दा होंदा है, कहता पहले हसया ही सा। अच्छा ये बताओ खरबूजों की आंखें होती हैं तो ये मिसाल क्यों देते हैं, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ला है, गलती खुद करते हैं इल्जाम फ्रूट पे। एक सवाल और है मोहसिन, ये बीवियां सारी जिंदगी मियां से झगड़ती लड़ती रहती हैं और जब मियां मर जाए तो धाड़े मार मार के क्यों रोती हैं। काहे जाहिर है जब शिकार हाथ से निकल जाता है बंदर रोते ही है। थैंक यू वेरी मच। नीरू जी मैंने पता कि टाइम घट आ तुहाडे कोल, लेकिन जिन्ने तुसीं कहंट लग रहे हो मैंने पता कि तुसीं चले हो अपनी फिल्म दी प्रमोशन ते बूहे बारियां दी, जांदे आ जांदे जरा अपने फैन दा से कोई पैगाम दे दियो। कीप वाचिंग पब्लिक डिमांड। ओके ऑडियंस थोनू बहुत प्यार करदी पाकिस्तान दी, ओदे वास्ते दो शब्द बोल दियो। हां जी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਂਡ ਆਉਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੈਲ ਡਨ ਬਈ, ਵੈਲ ਡਨ, ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਨਾ ਨੀਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨੱਚੇਗੀ। ਓਕੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ VCR ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਇਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਮੈਂ VCR ਮੰਗਾ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਗੀ ਫਿਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਆ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਮੋਹਸਿਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ VCR। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗਾਣਾ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਓ, ਮੇਰੀ ਭਾਣ ਜੀ ਦੀ ਕਦੀ ਇੰਝ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਕੂਲਰ ਆਉਣਾ VCR ਅਗਲੀ ਵਾਰ।
कल मारनिया तेरी प्रीति सबरू ने कि तेनू चल मारनिया अज अज नमठी गए ना ही तेनू कल मारनिया तेरी प्रीति सबरू ने कि तेनू चल मारनिया पक बी सी आर भी आजूगा बी सी आर पक बी सी आर भी आजूगा गल चकते शादी ते निमटी गए ऐत की कूलर आना बी सी आर Thank you so much. It was such a pleasure speaking to you. Thank you.